नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। तिरुपति मंदिर की वजह से कोरोना फैल रहा है, लेकिन मीडिया अब खामोश है। आखिर क्यों? आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अभी तक मंदिर ट्रस्ट के 140 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इनमें 14 अर्चक शामिल हैं। केस बढ़ने के बाद अब मंदिर में कुछ दिन के लिए दर्शन बंद करने के लिए कर्मचारी संगठन और राजनीतिक दल दबाव बना रहे हैं, लेकिन मंदिर का ट्रस्ट फिलहाल ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के पुलिस की एक रिपोर्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर को बंद करने की मांग की गई है। पुलिस का कहना है कि इलाके में कोविड-19 फैलने का एकमात्र कारण 8 जून को मंदिर दोबारा खोलना था। तिरुपति के सहायक पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था मुन्नी रामैया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मंदिर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में नहीं आता है। अब आप याद कीजिए, जब देश में फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, निजामुद्दीन मरकज जलसे में शामिल हुए लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। फिर हमारे मीडिया के एंकरों ने क्या तांडव किया था। मुसलमान, जमात, मरकज, निजामुद्दीन जैसे शब्द इनके जबान से उतर नहीं रहे थे। भारत में कोरोना फैलने का सारा इल्ज़ाम इन्होंने जमाती और मुसलमानों पर डाल दिया था। इन एंकरों ने समाज में इतना जहर घोला था कि लोग मुसलमान से दूर भागने लगे थे। वर्षों से एक गली में साथ रहे हिंदू पड़ोसी मुसलमान से दूर हो गया था। सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले मुसलमान को लोग गली में घुसने नहीं दे रहे थे। कई जगह से तो मुसलमानों के साथ मारपीट की खबरें भी सामने आई थी, और ये सब जहर भारतीय मीडिया के जहरीले एंकरों ने फैलाया था। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि कोरोना की शुरुआत में चिल्ला चिल्ला कर जमाती मुसलमान शब्द को कुख्यात बना देने वाला हमारा मीडिया आंध्र प्रदेश पुलिस की रिपोर्ट पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है। कुछ लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को बदनाम करने वाले आज चुप हैं। मुसलमान कोरोना फैलाता है कहने वाले आज हिंदू पर नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों? अब कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि मामला बहुसंख्यकों के धर्म का है ना। अब मामला सीधे वोट बैंक से जुड़ेगा ना। अब बड़े चैनलों के एंकर जैसे अर्णब, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, दीपक चौरसिया और रजत शर्मा की जुबानों पर लंबे लंबे ताले लटक जाएंगे, क्योंकि इसके केंद्र में मुस्लिम समाज और मस्जिद जो नहीं है, और मंदिर पर बोलने पर इनकी हिम्मत नहीं है। मंदिर और हिंदू पर बोलेंगे तो उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, और ये बिकाऊ पत्रकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मंदिर पर बोलेंगे तो कार्यकर्ता लोग इनका बॉयकॉट कर देंगे, मंदिर पर बोलेंगे तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। मंदिर पर बोलने से इनके आय में वृद्धि नहीं होगी। इनमें तो मुसलमान और मस्जिद पर बोलने के पैसे मिलते हैं, तो मंदिर पर कैसे बोलेंगे? लेकिन हम पूछेंगे और पूछेगा भारत कि क्या अब तिरुपति के जमाती कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं हैं? क्या अब मंदिर में जाने वाले हर पुजारी कोरोना फैला नहीं रहे? मंदिर के जब 140 स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं तो मंदिर बंद क्यों नहीं हो रहा है? निजामुद्दीन मरकज को सील करने वाले और नोटिस भेजने वाले गृह मंत्रालय अब कहाँ हैं? मौलाना साद पर मुकदमा दर्ज हुआ तो अब मंदिर के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या अब कोरोना फैलाने की सारी जिम्मेदारी पुजारियों पर डाली जाएगी? क्या तिरुपति मंदिर को खोलकर कोरोना का मरकज बना देने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है? जब देश में कोरोना बढ़ रहा है तो मंदिरों को कम्युनिटी ट्रांसमिशन का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? है किसी के पास जवाब, या कोई और मीडिया भी उठाएगा ये सवाल? अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज़।